और अब आगे जो करने जा रहे हैं उसके लिए भी हमें माफ कर देना मुखी जी। पूर्वी, हम जा तो रहे हैं पर जाने से पहले मुखी जी को अपना बना के जाएंगे, कुछ ऐसा करके जाएंगे कि वो तुम्हारे भी नहीं रहेंगे। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े और बुरे पल के लिए तैयार हो जाओ पूर्वी। लाख कोशिशें कर ली हमने पर हम उस मोलकी को मुखी जी के दिल से नहीं निकाल पाए, और इसलिए हमने फैसला किया है कि हम मुखी जी और इस हवेली को छोड़कर जा रहे हैं हमेशा के लिए। लेकिन तुम ध्यान रखना रेनू, वो नागिन तुम्हारी हस्ती खेलती जिंदगी में कभी भी जहर घोल सकती है। तुमने देखा ना कैसे उसने झूठ बोलकर सत्यम जी पर इल्जाम लगाया और उन्हें बदनाम किया। देखा भाभी, सब कुछ देखा मैंने। लेकिन दुख तो सिर्फ इस बात का है कि उस चालाक पूर्वी ने भाई जी को पूरी तरह से अपने काबू में कर रखा है। भाई जी हमेशा उसकी उंगलियों पर नाचते रहते हैं। लेकिन कोई बात, आप चिंता मत कीजिए क्योंकि अब आपका बदला उस पूर्वी से मैं लूंगी, क्योंकि उसने मुझसे मेरा भाई छीना है और आपसे आपका पति, और इस बात की सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। अरे हाँ, कल सारी सुहागने माँ प्रचंडिनी का व्रत रखेंगे, पूजा ब्रह्म मुहूर्त में होगी तो तुम्हें सुबह 4 बजे उठना होगा। अगर भाभी ये पूजा और व्रत अगर सभी सुहागने करती हैं तो इसका मतलब पूर्वी भी ये व्रत और पूजा करेगी। नहीं नहीं भाभी, मुझे उस पूर्वी के साथ कोई व्रत और पूजा बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि पूर्वी वहाँ ना हो तो पूर्वी पूजा नहीं करेगी। मतलब ये कि पूर्वी ना व्रत रखेगी ना पूजा करेगी। ये पूजा हर सुहागन के सर का ताज होती है, पर कल यही ताज उस मोलकी के गले का फंदा बन जाएगा, क्योंकि आज रात जो होने वाला है उसके बाद कल की सुबह पूर्वी के लिए एक ऐसा दिन लेके आएगी जिसे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? अब हम दोनों के बीच की दूरियां मिट चुकी है मुखी जी, हम दोबारा से एक हो चुके हैं। क्या बकवास कर रही है तू? पागल हो गई है? क्या बोल रही है? बावड़ी, बावड़ी, जैसा दिख रहा है ना वैसे बिल्कुल ना। ए, मेरी बात सुन, मैंने बताना है यो यहाँ कैसे आ गई और मैं कैसे आया यहाँ पर, मैंने बताना है। मेरी मेरी बात सुन बावरी, मैंने सच में ना पता मैं यहाँ कैसे आया, और ये मैंने कुछ याद भी ना है। हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है, हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है कि आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अरे ऐसा ना, आपने क्यों किया हमारे साथ ऐसा? बावरी तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ ना है। हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है, कल रात पागलों की तरह पूरी रात जागते रहे ये सोच के कि आप मिल गए हैं वो हिसाब देखने के लिए। जोड़ा पहनकर आपके लिए व्रत और पूजा रखने के लिए आ गए। बावड़ी मेरी बात सुन, ऐसा कुछ ना है। हमें तो अब पता चला है कि वो अधिकार तो आपने पहले ही कल रात किसी और को दे दिया है। अरे कैसी बातें कर रही तू? कई बार हम पर झूठे इल्जाम लगाए हैं मुखी जी आपने, आज वही मुखी जी खुद इतने गिर गए हैं कि अपनी बावरी को इतना बड़ा आपने धोखा कैसे दे दिया। मुखी जी अगर आपको यही सब कुछ करना था तो पहले ही बोल देते ना हमें, हम आपकी और साक्षी जी की जिंदगी से पहले ही चले जाते, ये दिन तो नहीं देखना पड़ता हमें। मुखी जी आज तक एक बार भी हमें साक्षी जी के इस हवेली में रहने पर एक बार एतराज नहीं हुआ, क्योंकि हमें आप पर भरोसा था, हम
सोचते थे कि आपका स्वार्थ कितना भी खराब हो लेकिन आपका चरित्र खराब नहीं है। आप अपनी बाबरी के साथ ऐसा गलत नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, इतना भरोसा था हमें। लेकिन अब गलत थे। हमने साक्षी जी को इस हवेली में रहने की इजाजत इसलिए दी थी क्योंकि वो जूही और मानस की माँ है, इसलिए नहीं कि हमारे पीठ पीछे आप उनके साथ संबंध बनाए। अरे भौरी, मुखिया जी आज आपने संबंधों की मर्यादा को लांघकर हमें साबित कर दिया कि आप हमारे प्यार और भरोसे के लायक ही नहीं है। भौरी तुम, इसलिए आज हम आपके लिए कोई व्रत कोई पूजा नहीं करेंगे। आज से आपका और हमारा रिश्ता खत्म। बावरी कैसी बातें कर रही है तू? जानती मैं तेरे कितना प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी में तेरी जगह कोई नहीं ले सकता बावरी, मैं तेरे बहुत प्यार करता हूँ बावरी। ये गलत बात है, तू क्या सोच? ये लगता है ये सब इसकी चाल, सब इसकी चाल है। एक मिनट एक मिनट, कल जब मैंने वो शरबत पिया ना, उसके बाद मैंने अजीब अजीब भ्रम हो रहे हैं। कभी माँ दिख रही है, कभी जूही माना दिख रही है, कभी, और जब मैं फैक्ट्री तक लौटा मैंने तू दिखी। सच बता, सच बता, तन्ने शरबत के अंदर क्या मिलाया था? बोल। जरूर तन्ने शरबत के अंदर कोई नशीली चीज मिलाई है जिससे मैंने यो भ्रम हो रहा था कल से। बोल, तुम जान से मार दूंगा। बोल। खुश में आप हमारे प्यार को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए ऐसा करके ना हमने हमने आपको दोबारा से पा लिया है। मुखी जी, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे, पागल है हम आपके लिए। चुप कर। याद कीजिए मुखी जी, हाँ, कितने हसीन पल बिताए हमने कल रात, हमारे छूने का एहसास, हम दोनों की नजदीक क्या मुखी जी, आप बहुत खुश थे हमारे साथ, हमने पुरानी यादों को फिर से जिया। क्या करेंगे आप? हाँ, मार देंगे? मार दीजिए हमें, क्योंकि हम वैसे भी आपके बिना जी नहीं सकते हैं मुखी जी। बहुत प्यार करते हैं हम आपसे, हम आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सुना आपने, कुछ भी कर सकते हैं। वही किया तन्ने, इतनी गिरी हुई घटिया हरकत की तन्ने दुख का दिया। आपकी हमने गिरी हुई हरकत, पूर्वी जितने पैसे चाहिए ना हम देंगे तुम्हें। तुम्हारे बाबा को मुखी जी ने जितने पैसे दिए उससे ज्यादा पैसे हम तुम्हें देंगे, लेकिन तुम मुखी जी की जिंदगी से चली जाओ। मुंह मांगी कीमत ले लो, लेकिन छोड़ दो हमारे मुखी जी को। इतनी देर लगा दी आपने आने में, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, आइए हमें दिया साथ में जलाना है, आइए चलिए। क्यों लौट के आई तू मेरी जिंदगी में? क्यों वापस आई तू? बोल, वापस क्यों आई मेरी जिंदगी में? मेरी खुशियों को छीन ले, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी बावरी को मेरे से छीनी आई? क्यों आई? क्यों आई तू? तू वापस ना आती ना, ये सब ना होता। अरे जिस बावरी ने तने 5 साल की कैद से छुड़वाया, तेरी जान बचाई, तेरा पति, तेरा घर, तेरा ये परिवार संभाला, अरे तू उसे डस गई। तू औरत ना है, तू नागिन है, नागिन जो अपनों को, अपने परिवार को, सबको निगल गई तू। क्यों आई तू? हम निगल गए? निगल तो वो गई है हमारा सब कुछ, हम तो उसे वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं बस। और अपने पति को अपना बनाना गलत। hey! चुप, एकदम चुप। मैं तेरा पति ना हूं, समझी? और तन्ने, तू नशे की दवा देकर मेरे साथ जो किया है वो बिल्कुल गलत, गुनाह है वो। मैंने बेहोश करके भले ही मेरा शरीर तन्ने मिल गया होगा, पर मेरा मन, मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ बावरी का है, और मरते दम तक मैं सिर्फ बावरी को प्यार करता रहूंगा। तेरे लिए ना मेरे दिल में कोई जगह है और ना मेरे इस घर में। चुपचाप तो घर से बाहर निकल जा हमेशा के लिए, वरना धक्के मार के निकालूंगा तन्ने। अभी नहीं,
नहीं मुखी जी, ऐसा मत कीजिए, वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। मुखी जी आप जानते हैं ना इस बात को, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, हम आपको खुश करने के लिए सब कुछ करेंगे। हाँ और वैसे भी पूर्वी तो चली गई है ना, वो वापस नहीं आएगी यहाँ। हम जानते हैं कि आपके दिल में अभी हमारे लिए प्यार है, आप बस उसे अनदेखा कर रहे हैं मुखी जी, ऐसा नहीं करेंगे ना। नहीं भाई जी, भाई जी छोड़िए साक्षी भाभी को, ये आप क्या करें भाई जी।